आज आरएसडी एकेडमी में चल रही 9 यूपी गर्ल्स बटालियन यूनिट के कैडेट्स ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी को पुष्प अर्पित करते हुए उनको शत शत नमन किया। तत्पश्चात भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी कैडेट्स ने स्वामी जी के विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट किया और बताया कि स्वामी जी ने नवयुवाओं को ये संदेश दिया, उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने कैडेट्स को बताया कि स्वामी जी ने कहा था कि आज के युवाओं से पूछो देश प्रगति को लेकर उनके क्या विचार हैं, क्योंकि वे ही देश की रीढ़ की हड्डी हैं जो देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे। तो वहीं निर्देशिका डॉक्टर जी कुमार ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी जी का ये कहना था कि चलते चलिए, चलने से लक्ष्य नजदीक होता है, पर थक जाना और रुक जाना तो केवल अंत का प्रतीक होता है। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन एनसीसी प्रभारी लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी व संचालन आरएसडी के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर मयंक शर्मा के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया। स्वामी जी ने सामाजिक सेवा में अपना पूर्ण जीवन लगा दिया, आज वे नवयुवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। भाषण प्रतियोगिता में रिया टमटा व उन्नति ने प्रथम, खुशी राघव ने द्वितीय व ऋतिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, डॉक्टर बीके पाल, मुकुल सक्सेना, अंजू सुखीजा, ज्योति पाठक, लवप्रीत कौर आदि अनेक अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रहे। हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं और मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि वो एक आदर्शवादी थे। उन्होंने एक बात कही थी, जो एजुकेशन होती है मनुष्य की, जो पूर्व निहित उसमें योग्यता होती है, उसको एजुकेशन ही बाहर करती है। और उन्होंने एक बात कही थी कि जो शिक्षक होता है वो परमात्मा का प्रतिनिधि होता है, और एक अच्छा शिक्षक वो होता है, आदर्श शिक्षक, जो तुरंत ही बच्चों के स्तर तक आ जाए, बच्चों के कानों से सुन सके, बच्चों की आंखों से देख सके। तो उनके गुरु थे रामकृष्ण, तो उनका उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। जो रामकृष्ण थे वो आध्यात्मिक भगवान को मानने वाले थे, तो इसीलिए उनको भी जो है मतलब ईश्वर की प्राप्ति हुई थी। और स्वामी विवेकानंद जी का मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मतलब उनको पढ़ने का लिखने का बहुत शौक था, तो एक बार वो अपने बेडरूम में थे, तो एक अंग्रेज अचानक से वहाँ आ जाता है, तो वो कहता है कि तो उनकी जो है किताब जो थी गीता जो ग्रंथ था धार्मिक ग्रंथ है, वो बिल्कुल उनके बेड के किनारे सिराने रखा हुआ था, तो उसके ऊपर 8-10 किताब रखी थी। तो अंग्रेज ने कहा, देखो आपकी जो किताब है वो सबसे नीचे है और हमारे जितने भी लेखक हैं वो सबसे ऊपर है। तो विवेकानंद जी को हाजिर जवाबी देने का बहुत ही मतलब एक शौक था। उन्होंने क्या काम किया, अपनी गीता को निकाला तो सारी किताबें गिर गईं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा, देखो बेस तो ये है, बाकी सब ऐसे ही है। तो आज हम सब उनको सत सत नमन करते हैं, याद करते हैं और उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे।